नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार का सबसे बड़ा यूट्यूब न्यूज चैनल लाइव सिटीज। जिस तरह से लगातार तेज प्रताप यादव जनता दरबार लगा रहे हैं और युवाओं की समस्या को उठा रहे हैं, इन दिनों अब जब 2019 का साल जो है वो आ चुका है, हम लोग 2019 में आ चुके हैं, सबसे बड़ी युवाओं को जो समस्या आती है वो है रोजगार को लेकर। बेरोजगारी देश में बढ़ रही है और इसको लेकर के अक्सर यह आरोप लगते रहते हैं कि जो मंत्री होते हैं, जो नेता होते हैं, वो कोई बयान देना नहीं चाहते हैं, बेरोजगारी पर कोई सवाल खड़े नहीं करता है और ना ही कोई जवाब देता है। लेकिन इस बार इस पर जवाब दे दिया है बिहार सरकार में मंत्री श्रम संसाधन विभाग के विजय कुमार सिन्हा ने। खास बातचीत में उन्होंने कहा है कि नौ वर्ष में बिहार सरकार युवाओं के लिए संकल्पित है, युवाओं के लिए वो बेहतर काम करेगी और भी बहुत सारी बातें की उन्होंने। जब हम राजनीति के मुद्दे पर आए, हमने उनसे ये पूछा कि तेज प्रताप यादव इन दिनों लगातार जनता दरबार लगा रहे हैं, तो उन्होंने साफ साफ ये कहा कि तेज प्रताप यादव क्या कर रहे हैं इससे तो बीजेपी को कोई मतलब नहीं है, लेकिन जिस दिन उन्हें जनता दरबार लगाना चाहिए था उस दिन उनके यहाँ अपराधियों का जनता दरबार लगता था, अपहरणकर्ताओं का जनता दरबार लगता था और भी बहुत कुछ कटाक्ष किया उनके ऊपर। साथ साथ ये भी कह दिया है कि तेज प्रताप यादव पहले खुद के लिए न्याय मांगे। क्यों न्याय मांगे, देखिए इस वीडियो में। देखिए, श्रमिकों और श्रमिक के संतान जो गरीब और मध्यम वर्गीय बच्चे हैं उनके लिए हम लोग ये विभाग संकल्पित है कि बेहतर करेंगे उनका, ये साल उनका बेहतर भविष्य को लेकर के बिहार के गौरव को बढ़ाने में उनकी भूमिका एक महत्वपूर्ण रहेगा और उसमें हम लोग लगे हुए हैं। और जो शुरुआत हुई है राज्य और केंद्र सरकार मिलकर एक बेहतर युवाओं के लिए जो अवसर प्रदान कर रहा है रोजगार के लिए, स्वरोजगार के लिए और ख़ास करके स्वरोजगार की ओर मैं नौजवानों को ज़्यादा प्रेरित कर रहा हूँ, जहाँ से रोजगार का सृजन होता है और उस रोजगार से हमारे आने वाले युवा पीढ़ी को एक अच्छा अवसर मिलेगा। सर, लगातार जनता दरबार लगाया जा रहा है राजद की तरफ से, ये कहा जा रहा है कि इस साल 2019 में भाजपा बिहार में एक भी सीट नहीं जीतेगी। जब उनकी सत्ता और सरकार थी तब दरबार लगाए नहीं जी, तब दरबार अपराधियों का लगता था, अपहरणकर्ताओं का लगता था, पूरे राज्य को नकारात्मक भाव में युवाओं के मन में हताशा निराशा का भाव पैदा कर दिए थे। और आज जब सुशासन की सरकार बनी है, सरकार पूरी तरह से विकास के प्रति संकल्पित है, तब वो जनता दरबार लगा रहे हैं। लेकिन उनको जनता दरबार लगाने के पहले उनको तो उस दरबार में जाके अपने लिए न्याय मांगनी चाहिए थी कि बड़े बेटे को वनवास दे दिया गया, उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है, तो पहले तो वहाँ न्याय अपने परिवार में ले लें, तब दूसरे को न्याय देने की और जनता दरबार में उसके हित की बात कर पाएंगे। अभी तो खुद वो खुद परेशान हैं, मानसिक तौर पर वो घबराए हुए हैं, बीमार हैं। तो क्या लगता है आने वाले समय में जैसा दावा कर रही है राजद की एक भी सीट नहीं जीतने दिया जाएगा आपको? वो तो वक्त बता देगा और वक्त हमेशा सकारात्मक भाव को साथ निभाया है, कितना भी नाटक कर लें तत्कालिक लाभ भ्रम से उठा लेने के बाद ये अस्थायी नहीं होता है। और भारतीय जनता पार्टी NDA गठबंधन सकारात्मक भाव से पवित्रता के साथ राजनीति कर रहा है। आज एक भी भारतीय जनता पार्टी के नेता या इसके मंत्री पर कोई अपराधियों को संरक्षित करने का आरोप नहीं है, कोई भ्रष्टाचार का संरक्षण का माहौल नहीं है, तो ऐसे लोग को जनता विश्वास व्यक्त करेगी और समर्थन देगी, आशीर्वाद भी देगी। 2019 में आप लोग कामयाब होंगे, फिर से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, ये सत्य को लोग स्वीकार कर ले कि 2019 21वीं सदी के भारत बनाने के लिए राष्ट्र के हित में नरेंद्र मोदी को ही लोग आशीर्वाद देंगे। जिस तरह से आपने वीडियो में देखा, किस तरह से मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने साफ साफ ये आरोप लगा दिया है कि तेज प्रताप यादव को खुद के लिए न्याय मांगना चाहिए, क्योंकि एक बेटे को वनवास, दूसरे को सत्ता पाठ मिल रही है। लालू परिवार के अंदर ये कैसा घमासान चल रहा है इससे कोई अभिज्ञ नहीं है। मंत्री विजय कुमार सिन्हा भी इसको लेकर के कहीं ना कहीं चिंताएं रखते हैं अपने मन में, इसलिए उन्होंने नसीहत दे दी है। अब तेज प्रताप यादव जो युवाओं का नेता कहते हैं खुद को, क्या युवाओं के लिए आवाज़ उठाएंगे? क्या वो खुद के लिए न्याय मांगने जाएंगे जनता दरबार अपने परिवार के हित के लिए? आगे क्या कुछ होगा इससे लाइव स्ट्रीम आपको रूबरू कराता रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं मंत्री विजय कुमार सिन्हा का यह बयान सियासी गलियारों में हलचल मचाएगा ज़रूर,
इस पर कोई बयान निकल के आएगा तेज प्रताप यादव की तरफ से, कोई ट्वीट निकल के आएगा तेजस्वी यादव की तरफ से, या लालू फैमिली की तरफ से कोई पलटवार निकल के आएगा, उस पलटवार से लाइव सिटीज आपको सबसे पहले रूबरू कराता रहेगा। हम हर पल हर खबर से आपको जोड़ते रहेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।